आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इस जश्न के जरिए हम याद करेंगे भारत की बढ़ती ताकत का। हम आपको बताएंगे कि भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन तो किया, लेकिन नेटवर्क के मामले में हमारा दुख है कि कम नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ रितु सुमन और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। भारत में टेलीकॉम क्रांति ने करीब करीब हर हाथ में स्मार्टफोन पहुंचा दिया है। फोन तो स्मार्ट हो गए, लेकिन 4G नेटवर्क के नाम पर अधिकांश सब्सक्राइबर 2 या 3G स्पीड मिलने की शिकायत करते हैं। आप रांची में रहें या पटना में या फिर देश की राजधानी दिल्ली में, नेटवर्क समस्या जस की तस है। हमारा सवाल है, खराब नेटवर्क से आजादी कब तक मिलेगी? इस साल नोकिया ने मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स 2021 रिपोर्ट पेश किया। उसके मुताबिक भारत में पिछले 5 सालों में डाटा खपत करीब करीब 60 गुना से अधिक बढ़ा है। ये दुनिया भर में सबसे अधिक डेटा ट्रैफिक में से एक है। 4G डेटा की खपत से 2021 में डेटा ट्रैफिक 36% से अधिक बढ़ा है। भारत में 4G यूजर्स की संख्या 70 करोड़ के पार हो गई है। तो आइए जानते हैं भारत के लिए खुश होने की बात क्या है। पिछले 5 सालों में डेटा ट्रैफिक करीब 60 गुना से अधिक बढ़ा है। 2021 में 4G डेटा ट्रैफिक 36% से अधिक बढ़ा है। 4G मोबाइल यूजर्स की संख्या 70 करोड़ के पार हो गई है। भारत में डेटा ट्रैफिक में अकेले 4G का योगदान करीब 99% है। ये महानगरों की बजाय ए, बी और सी वर्गों से ज्यादा है। भारत में पहले से 20 लाख एक्टिव 5G डिवाइसेज हैं। लॉकडाउन ने भी टेलीकॉम सेक्टर को काफी आगे बढ़ाया है। कोरोना संकट में OTT जैसे प्लेटफॉर्म ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। सबसे ज्यादा डेटा खपत OTT का रहा है। नोकिया की रिपोर्ट के मुताबिक 4G डिवाइस की संख्या करीब 60 करोड़ यूनिट से ज्यादा है। देश में 77% एरिया में 4G नेटवर्क है। आइए जानते हैं हर महीने डेटा की खपत कितनी होती है। दिसंबर 2020 में करीब 20% के इजाफे के साथ 13.5 GB पहुंचा। इसका मुख्य कारण ऑनलाइन वीडियो देखना है। लोगों के मनोरंजन का मुख्य स्रोत स्मार्टफोन है। गांव में भी डेटा खपत बढ़ी है। ये तो बात हुई डेटा खपत की, अब बताते हैं मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड की स्थिति। ओकला की जनवरी 2021 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल स्पीड में भारत दुनिया भर में 131वें नंबर पर है। ग्लोबली एवरेज स्पीड 46.74 Mbps डाउनलोड और 12.49 Mbps अपलोड स्पीड है। हम आपको सार्क देशों के मोबाइल स्पीड से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताते हैं। आपके लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह क्या है? भारत के मुकाबले मालदीव में 3 गुना ज्यादा इंटरनेट स्पीड है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड मामले में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड के लिहाज से नेपाल तीसरे नंबर पर है। भारत से ज्यादा मोबाइल इंटरनेट स्पीड श्रीलंका और भूटान में है। भारत से पीछे बांग्लादेश और सबसे नीचे अफगानिस्तान है। हमने आपको 4G की पहुंच, डेटा खपत और इंटरनेट स्पीड की जानकारी दी। सार्क देशों में शामिल भारत के अलावा दूसरे देशों से अपनी तुलना भी की। इस स्वतंत्रता दिवस पर कमजोर नेटवर्क से आजादी पाने की कोशिश करें। डिजिटल वर्ल्ड में आपको बने और टिके रहने के लिए कमजोर नेटवर्क से आजादी जरूरी है। चलते चलते बता दें, हर भारतीय प्रतिदिन करीब 5 घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं। इस अपडेट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।